डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सीबीएसई का 2024 में फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हुआ है उसी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 13 है, आज मैं आप लोगों को वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। दैट इज फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हूज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आप लोगों का जो मैथ्स का चैप्टर 2 है वहाँ पर जो एग्जाम्पल 4 है, राइट, एग्जाम्पल 4 यही सम आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। देयर इज एग्जाम्पल 4 से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, एज इट इज डिटो क्वेश्चन दे के रखा है। तो यही क्वेश्चन जो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनाया जाएगा एग्जाम में आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जैसा है वैसा नहीं आएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन 13 नंबर है जैसे यहाँ पे बनाया है सेम टू सेम क्वेश्चन वो लोग बना के दे देंगे। जैसे यहाँ पे -3 और 2 दे के रखा है, यहाँ पे वो लोग दे देंगे 1/4 -1, ठीक है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये सम सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक्सरसाइज से 3 सम आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा, बाकी जितना भी रहेगा आप लोगों को खुद से करना है। एक्सरसाइज से 3 सम इसीलिए करूंगा बिकॉज वहाँ पे रूट का प्रॉब्लम है और जब भी आप लोग रूट देखते हो आप लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए मैं चार सम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो पहला वाला कर लेते हैं जो आप लोगों का एग्जाम में आया था और बुक में जैसा सॉल्व किया मैं उसको वैसे सॉल्व नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, इसको और भी सिंपल तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्या देखे रखा है क्वेश्चन में। आप लोगों को सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखे रखा है ना। सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, जीरोस निकालते थे आइदर और करके एक्स का दो वैल्यू निकालते थे, राइट, उसी को हम लोग क्या कहते थे, अल्फा और बीटा, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप निकालते थे कोएफिशिएंट के साथ, राइट। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले से ही क्या किया है, आप लोगों का जीरो निकाल रखा है, निकालने के बाद दोनों को प्लस करने के बाद जो वैल्यू आता है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा करने के बाद जो वैल्यू आता है वो दे के रखा है, दैट इज -3, और अल्फा इंटू बीटा करने के बाद जो वैल्यू आता है वो दे के रखा है। तो इन दोनों वैल्यू को लेके आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में था ना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो ऐसा इक्वेशन बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2, ठीक है। इन दोनों के सहारे आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सॉल्व करके 1/1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 और यही क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, सो लिख लेना यहाँ पे, हियर पहले क्या था आप लोगों का, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या देके रखा है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देके रखा है सर -3, तो यहाँ पे बैठा दो इक्वल टू देके -3, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था आपका यहाँ पे देके रखा है +2, तो 2 बैठा दो। इसके बाद क्या लिखना है, वी नो दैट, लिखने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके बारे में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, क्या था वो, ax² + bx + c = 0। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x² - α + β (x+α)(β=0), ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली देखो इंप्लाइज दैट देके लिखो x² जैसे है उसको वैसे ही बिठा दो, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था सर -3, तो विद इन ब्रेकेट -3 लिख दो और बाहर में x मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई x लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था सर 2 था, तो 2 बैठा दो =0 लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद अभी x² जैसे है उसको वैसे लिखो ना, -(-) करने से क्या आ जाएगा सर -(-) में +3 आ जाएगा और बाहर में x मल्टीप्लाई था तो क्या बन जाएगा, θ बन जाएगा,
प्लस टू लिख दो। तो ये हो गया आपका पहला वाला सम जो एग्जाम में आया था। अब इसको क्या लिखना है, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस थाइज एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये पहला वाला हो गया आप लोगों का एग्जांपल वाला, और क्वेश्चन में जो था क्वेश्चन पेपर में वो हो गया। अभी एक्सरसाइज से मैं आप लोगों के लिए तीन सम और सॉल्व करके दिखाऊंगा, दैट इज वन बाई फोर माइनस वन। तो जैसे मैंने कहा है आप लोगों को एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन 13 नंबर में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आएगा, सेम टू सेम लिख देंगे पूरा क्वेश्चन। और यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस थ्री के जगह पे वो लोग दे देगा वन बाई, दे देंगे वन बाई फोर, और जो टू है वो टू के जगह में क्या दे देंगे, वो लोग दे देंगे आपका माइनस वन। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा लिखना, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू चेंज करने के लिए बोला है वो वैल्यू सिर्फ चेंज करके क्वेश्चन खुद से बना लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसी तरह का इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो पहला वाला एक्सरसाइज से करते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा बिकॉज वीडियो लंबा बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करके दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो है उसका वैल्यू पहले लिख लो, हियर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर था 1/4। सो यहाँ पे बैठा देते हैं इक्वल टू, देखिए 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था आपका माइनस वन, राइट, माइनस वन था, माइनस वन बैठा दिया। बैठाने के बाद अभी जो हम लोगों को पता है फॉर्मूला वो बैठा दो, क्या था फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रेकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, राइट। इसके बाद जो एक्स स्क्वायर है उसको वैसे लिखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था 1/4 है, तो 1/4 यहाँ पे बैठा दो, और ये एक्स मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे एक्स बैठा दो, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन बैठा दो इक्वल टू जीरो। चलो यहाँ पे मैं ब्रेकेट दे देता हूँ, ब्रेकेट था अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था 1/4, तो ब्रेकेट में लिख दिया, और बाहर में मल्टीप्लाई एक्स था तो लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर जैसे है उसको वैसे लिखो, माइनस के साथ 1/4 इंटू एक्स करेंगे तो देखो माइनस वन इंटू करने से माइनस वन आ जाएगा, और एक्स के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, और नीचे फोर था फोर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस में क्या होता है सर, प्लस माइनस में माइनस होता है इक्वल टू जीरो। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे फोर नीचे में है, राइट, यहाँ पे फोर नीचे में है, तो आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेके अगर करने जाओगे तो लंबा बन जाएगा, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाता हूँ। फोर के साथ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स था, माइनस एक्स आ जाएगा, देन फोर के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो अभी पूछोगे सर ये फोर कहाँ गया है, तो सिंपली देखो मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, लिखना नहीं है जस्ट समझ लेना है आप लोगों को, ठीक है। एलसीएम लिए बिना करोगे तो शॉर्ट बनेगा, और एलसीएम लेके करोगे दिखाने जाओगे तो लंबा बन जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब वन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई फोर इंटू सॉरी माइनस वन इक्वल टू जीरो था, राइट। अभी इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन वन फोर वन का अगर एलसीएम लोगे आप तो क्या आ जाएगा सर, फोर आएगा ना, नीचे आएगा फोर। नाउ वन फोर में कितना टाइम जाता है, फोर टाइम्स जाता है, तो फोर के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। एंड फोर में फोर कितना टाइम जाता है, वन टाइम जाता है, वन के साथ अभी माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा। एंड वन फोर में कितना टाइम जाता है, फोर टाइम्स जाता है, और फोर के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर इक्वल टू जीरो, राइट। अभी फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर रह जाएगा, और ये जो नीचे फोर था
ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या रह जाता है, माइनस दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू, आप लोगों को पता है कि जीरो के साथ कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, जीरो। तो देखो यहाँ पे दो लाइन कमती हो गया, एलसीएम अगर हम लोग नहीं लेते और एलसीएम अगर लोगे तो आप लोगों को दो तीन लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को एलसीएम यहाँ पे एलसीएम लेके करो बट दिखाओ मत, और बिना दिखाए आप कैसे कर सकते हो, मैंने समझा दिया। डायरेक्ट जो नीचे है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तब बन जाएगा आराम से। तो उसके बाद लिख लो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या बन जाएगा, दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। नाउ यहाँ पे देखो रूट दे के रखा है, दैट इज माई रूट टू और 1/3 है, तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है रूट टू, और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है 1/3। रूट देखते ही कन्फ्यूजन शुरू, राइट। तो डरो मत, सिंपली इसको करेंगे एकदम इजी तरीके से। तो फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लेना जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में है, सेम टू सेम लिख लेना, जस्ट वैल्यू को चेंज कर देना। तो यहाँ पे रूट टू है, रूट टू के दैट इज माइनस थ्री के जगह में रूट टू बैठा देना, और आपका जो टू है टू के जगह में 1/3 बैठा देना, और क्वेश्चन खुद से लिख लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हियर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज रूट टू है, राइट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रूट टू है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सर, 1/3 है, तो बैठा दो 1/3। बैठाने के बाद जो फॉर्मूला दिखाया है मैंने वही लिखना है, वी नो दैट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, राइट। तो अभी एक्स स्क्वायर जैसे है उसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था यहाँ पे, रूट टू था, तो रूट टू बैठा दो, ठीक है, और बाहर में एक्स था, मल्टीप्लाई में था ना, सो एक्स को रूट टू से थोड़ा दूर लिखना, क्लियर। प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना था 1/3, तो लिख दो 1/3 इक्वल टू जीरो। तो फिर से अभी एलसीएम का बात आ गया, अभी एलसीएम दिखाने जाओगे क्या, नहीं सर, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब रूट टू, एक्स के नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है, और इसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे भी कुछ नहीं है मतलब वन है। तो एलसीएम लेके करो बट दिखाओ मत। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, थ्री जो नीचे है ना थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो थ्री के नीचे एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब वन है, तो वन थ्री में कितना टाइम जाता है, थ्री टाइम जाता है, तो थ्री के साथ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, थाइज एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देन माइनस इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब वन है, तो वन थ्री में कितना टाइम जाता है, थ्री टाइम जाता है, तो थ्री पहले बैठ जाएगा और रूट टू एक्स साइड में बैठा दो। प्लस थ्री में थ्री कितना टाइम जाता है, वन टाइम जाता है, वन के साथ वन को मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या बन जाएगा, वन इक्वल टू जीरो, हो गया ना। रूट दे के डर खा रहे थे आप लोग, आराम से हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखना है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दैट इज थाइज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट जो आपका थ्री नंबर है ये मैं करके देता हूँ, बाद बाकी आप तीन जो बचेगा आप लोग खुद से करना, होमवर्क रहेगा आपको लिए और करके मुझे दिखाना। तो इसको देखो यहाँ पे जीरो है तो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए मैं इसको भी करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है जीरो, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, रूट फाइव है, राइट।
नाउ ये सब करने से पहले मैंने आप लोगों को जरूर ये समझाया था जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है, मिसिंग होता है, आइदर सी का वैल्यू मिसिंग होता है या फिर बी का वैल्यू मिसिंग हो सकता है या फिर आपका ए का वैल्यू, यानी जो ए एक्स स्क्वायर होता है उसका वैल्यू आप लोगों का क्या हो सकता है, कभी जीरो हो सकता है या फिर बी एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, आपका जीरो हो सकता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, इससे जो इक्वेशन बनेगा ना, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग रहेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो चलिए करके देखते हैं किसका वैल्यू मिसिंग रहता है, पता चल जाएगा। तो जो है वो लिख लो पहले, हियर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोगों का क्या देख रखा है, लड्डू देके रखा है, जीरो। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है आपका, रूट फाइव। फॉर्मूला बैठाना है आप लोगों को, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर जैसे है उसको वैसे लिखो, ठीक है, लिख दो। देन माइनस था, माइनस बैठा दो। अभी देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बैठाएगा, बैठने के बाद जीरो अगर बैठ जाता है तो जीरो के साथ अगर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे क्या एक्स आएगा क्या घूम फिर के, ऑफकोर्स क्या एक्स आएगा, नो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दिखाई देता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो था तो जीरो बैठा दो, इंटू एक्स करना है, ठीक है, एक्स बैठा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, रूट फाइव, तो रूट फाइव यहाँ पे बैठा दो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये लाइन लिखे बिना भी मैं कर सकता था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। एक्स स्क्वायर लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे। नाउ माइनस जीरो इंटू एक्स करने से देखो, जीरो के साथ कोई भी संख्या को, कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे जीरो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि ये लाइन नहीं लिखते तब भी चलता, समझ में आ गया। दैट इज जीरो इंटू एक्स करने से जीरो आएगा, तो जीरो का वैल्यू यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। अभी प्लस फाइव, प्लस रूट फाइव था ना, तो प्लस रूट फाइव यहाँ पे बैठा दो, इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हम लोग, मैं बोल रहा था ना आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में से कभी कभी कुछ चीज़ का वैल्यू मिसिंग रहता है। जैसे यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और आपका सी का वैल्यू है, बी एक्स जो है इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बी एक्स का वैल्यू लड्डू है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता है, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.2 का, जो एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, इसी क्वेश्चन को इस पैटर्न में बनाया गया है, जहाँ पे आपका क्या है, बी का वैल्यू यानी बी एक्स का, या फिर बोल सकते हो बी का वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो आई होप समझ में आ गया कैसे करना है, लास्ट में लिख देना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। सो यहीं पे वीडियो को आज खत्म करते हैं, बाकी तीन सम है आप लोगों को खुद से करना है, करने के बाद मुझे कॉपी दिखा देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।